प्यारे बच्चों कक्षा नाइन्थ की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली टू पॉइंट फोर ठीक है तो टू पॉइंट फोर का हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक प्रश्न हल कर लिए हैं और प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर तीन जो है वो क्या कह रहा है इस प्रश्नावली में हमने जो सवाल हल कर रहे हैं बच्चों वह गुणनखंड प्रमेय पर आधारित सवाल है और गुणनखंड प्रमेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो ठीक है तो यक्स माइनस वन दिया हुआ है और पी एक्स का मान जो है वो अलग अलग दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है इस स्थिति में ठीक है बच्चों <coughs> तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले इसका हम इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं चार पार्ट दिए हुए हैं इसका तो, पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा इसी तरीके से ही इस प्रश्न के सारे पार्ट हल करने हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे पी एक्स पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के ठीक है अब यहाँ पर चूँकि दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन जो है वो आ, एक गुणनखंड है तो क्या करेंगे चूंकि क्या लिखेंगे x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है दिया हुआ है ना इसलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा तो गुणनखंड अतः है गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड प्रमेय का जो सेकंड पार्ट था कि अगर जो है एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है तब गुणनखंड प्रमेय से जो है इसका मान यानी एक्स माइनस वन बराबर जीरो यानी एक्स बराबर वन का मान अगर हम रखेंगे इसमें तो हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए जो हमारा बहुपद होगा वर्खे के बराबर होगा शून्य के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तब गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा पी वन इक्वल टू ज़ीरो यानी ये जो मान प्राप्त हो रहा है अगर हम उसको रखेंगे तो हमें इसका मान जो है वो ज़ीरो प्राप्त होना चाहिए यह हमारी गुणनखंड प्रमेय का सेकंड वाला पार्ट जो है वो बताता है यही हमारा गुणनखंड प्रमेय है तो इसके अनुसार पी वन का मान कितना होना चाहिए बच्चों ज़ीरो होना चाहिए अब हम यहाँ पे पी वन यानी जो हमारा दिया हुआ है वहाँ पर हम वन रख के देखते हैं क्या प्राप्त होगा तो यहाँ पर पी एक्स की जगह पे वन रख रहे हैं क्या प्राप्त होगा बच्चों वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो यानी वन का स्क्वायर यानी वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो वन प्लस वन यानी कितना हो गया टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो के बराबर क्या आ गया माइनस दो अब के का ही मान तो हमें ज्ञात करना था कि के का मान ज्ञात करना है कि जब ये जो दिया हुआ है और x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब है किस माइनस वन यानी x इक्वल टू वन जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा और इसका मान कितना प्राप्त होगा जीरो प्राप्त होगा वही हमने किया है यहाँ पे x की जगह पे जो x माइनस वन बराबर जीरो यानी x बराबर वन रखा है और हल करने पे अगर इसका मान जो है वो हल किया है इसको तो हल करने के बाद जो के का मान जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा के बराबर माइनस टू ठीक है बच्चों समझ में आया ना इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट ये जो है तीनों बिल्कुल इसी तरीके से आपको हल करनी है ये जो है इसके तीनों पार्ट आपको बन जाएंगे आप प्रयास करिएगा ठीक है और हल करिएगा तो इसके तीनों पार्ट आपके होमवर्क हैं एकदम है। एकदम एक जैसे ही करने हैं इसलिए मैंने मैं इसके और पार्ट को नहीं बताऊंगी ये तीनों पार्ट आपके होमवर्क हैं चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर हाँ बच्चों इसका प्रश्न नंबर चार देखिए आइए है, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर चार के अनुसार जो है वो हमें क्या करना है बच्चों गुणनखंड ज्ञात करना है पहला इसका पार्ट दिया हुआ है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन तो बच्चों इसमें गुणनखंड याद करने के लिए जो है हम लोगों ने पहले भी पूर्व की कक्षा में भी कक्षा आठ में भी पढ़ा था तो हम क्या करते हैं इसके लिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन तो इसमें हम क्या करेंगे जो ये यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और इसका गुणांक है ठीक है तो इन दोनों का गुणा करेंगे इसका गुणा करेंगे कितना आएगा बारह गुणे एक बारह एक कम बारह ठीक है तो अब हमें कोई दो संख्याओं बारह को जो है बारह एक कम बारह मतलब हो गया ये बारह ही है बच्चों ना ठीक अब बारह को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस सात आए ठीक है तो अब माइनस सात क्या आएगा हमारा अगर हम माइनस चार तो बारह को हम किस में तोड़ सकते हैं माइनस चार और माइनस तीन अगर हम माइनस चार और माइनस तीन को जोड़ेंगे तो आपस में क्या आ जाएगा बच्चों माइनस सात भी आ जाएगा और चार तीन गुणा करेंगे माइनस चार और माइनस तीन का तो कितना आएगा बारह आ जाएगा समझ में आ रहा है ना बच्चों तो चलिए आइए इसको तोड़ते हैं दो भागों में बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ये रहेगा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स प्लस वन यानी बीच वाले पद को हमने दो भागों में तोड़ दिया माइनस चार और माइनस तीन के रूप में जिनका गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा इन दोनों का ए और सी वाली जो चीज़ें हैं उनका गुणन प्राप्त होगा ठीक ये हमने रफ वर्क किया था ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक तो ये इसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए अब इसके आगे इसको कैसे हल करेंगे तो अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ जा रहा है फोर कॉमन हो जा रहा है और x भी कॉमन हो जा रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे चार यहीं बारह यानी तीन बचेगा और x बचेगा थ्री एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन ठीक है अब इसी तरीके से यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो थ्री एक्स माइनस वन ठीक अब यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें थ्री एक्स माइनस वन दोनों पदों में हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस वन जो है वो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन ठीक है बच्चों तो क्या प्राप्त होगा बचा हुआ फोर एक्स और यहाँ माइनस वन बचा है तो फोर एक्स माइनस वन समझ में आ रहा है ना ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए ये प्रक्रिया हम लोगों ने पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ी हुई है कक्षा आठ में भी पढ़ी है आप आप लोगों ने ठीक है तो इसी तरीके से ये गुणनखंड करने की प्रक्रिया है अब ये बहुत ही आसान है इसमें केवल हमें देखना है ए और सी यानी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए और सी का गुणन करने पे जो आ रहा है उसी को हमें दो भागों में तोड़ना है जो कि बीच वाला पद होगा ठीक है जिनको जोड़ने या घटाने पर वो ये बीच वाला पद हमें प्राप्त हो समझ में आ रहा है ना चलिए इसका एक पार्ट और लेके चलते हैं सेकेंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व होगा थर्ड पार्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे या इसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था छ और ये छः ठीक है यहाँ वाला पद और यहाँ वाला पद इन दोनों का गुणन करने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों छाई छाँ छत्तीस थर्टी सिक्स प्राप्त हो रहा है अब छत्तीस को हमें दो भागों में तोड़ना है ठीक है माइनस छत्तीस आएगा तो माइनस छत्तीस आएगा तो छत्तीस माइनस छत्तीस को दो भागों में जो है तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर जो है हमें छत्तीस आएगा सॉरी छत्तीस को दो भाग की जोड़ने घटाने पर पाँच प्राप्त हो जाए तो छः गुणे छः छत्तीस आ गया हमारा अब दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जिनको गुणा करने पे तो छत्तीस आए लेकिन जोड़ने घटाने पे पाँच आए तो ऐसी संख्याएँ कौन हो जाएंगी कौन कौन सी होंगी नौ और चार नौ को छत्तीस हो जाएगा नहीं? और नौ में से चार गया पाँच प्राप्त होगा ठीक है बच्चों ये आपका वर्क रफ वर्क है जो कि मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि कौन सी संख्याओं को कैसे लेना है इसका इसका आपस में गुणा करते हैं गुणा करने पे जो पद आ रहा है वो छत्तीस आ रहा है छत्तीस को दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए ठीक है ये प्रक्रिया इसके सारे प्रश्नों में हल करनी है इसी तरीके से करना है तो आइए हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से तोड़ेंगे ये हमारा है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स अब यहाँ ध्यान दीजिए सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे नाइन एक्स माइनस फोर एक्स ठीक है फाइव एक्स को हमने क्या लिख दिया नाइन एक्स माइनस फोर एक्स और यहाँ माइनस सिक्स जो लिखा हुआ था वो वैसे ही जो का थे रहने दिया हमने बराबर क्या प्राप्त हो गया बच्चों सिक्स एक्स अब यहाँ पे ध्यान देते हैं इन दोनों पदों में क्या कॉमन हमें दिख रहा है थ्री एक्स कॉमन दिख रहा है थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा हमारे पास में टू एक्स कॉमन बचा और ये प्लस थ्री कॉमन बचा अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है माइनस टू कॉमन हो जा रहा है क्या बचेगा टू और ये दो त्याई छः यानी प्लस थ्री कॉमन हो जा रहा है समझ में आ रहा है ना बच्चों अब यहाँ दिन ध्यान दीजिए इस पद में इस पद में कॉमन हमें क्या दिख रहा है ये कॉमन दिख रहा है टू एक्स प्लस थ्री इसमें भी है और टू एक्स प्लस थ्री इसमें भी गुणनखंड के रूप में दिया है ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे टू एक्स प्लस थ्री क्या बचेगा हमारे पास में थ्री एक्स और यहाँ पे क्या बचा माइनस टू ठीक है तो ये इसके गुणनखंड हो गए तो यही इसका आंसर हो गया इस तरीके से जो है इसके हम और भी गुणनखंड याद कर सकते हैं कौन से पार्ट के सेकेंड और फोर्थ पार्ट के तो सेकेंड और फोर्थ पार्ट जो है इसका आपके लिए होमवर्क हो गया अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर पाँच दिया हुआ है इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए इसका पहला पार्ट दिया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू यहाँ गौर कीजिए बच्चों ये हमारा जो दिया हुआ है बहुपद ये कौन सा है तीन घात वाला बहुपद दिया हुआ है तो तीन घात वाले बहुपदों का गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम देखिए इसको कैसे हल करना है ध्यान से देखिएगा बच्चों इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट भी हैं तो पी एक्स बराबर सबसे पहले हमने मान लिया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ठीक अब हम सबसे पहले लास्ट वाला जो अचर पद है उसे देखेंगे अचर पद हमारा क्या दिया हुआ है ये टू दिया हुआ है तो टू के क्या कौन कौन से गुणनखंड होंगे टू के गुणनखंड अब टू के कौन से गुणनखंड हो सकते हैं तो दो तो का गुणनखंड एक वन भी हो सकता है प्लस माइनस वन भी हो सकता है और प्लस माइनस टू भी हो सकता है तो इसके ये गुणनखंड प्लस माइनस के रूप में जो है वो वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है प्लस टू भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है ठीक है ठीक है बच्चों तो दो के गुणनखंड क्या होंगे प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू अब इसमें से जो ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इन्हीं गुणनखंडों में से हम रख के देखेंगे कि हमारे पास को किसी न किसी वैल्यू के लिए जो है पी आ, उस गुणनखंड का मान ये इस पूरे का मान क्या प्राप्त होगा हमें शून्य प्राप्त होगा तो अब हमें चेक करना है कि किसके लिए इसका मान प्राप्त शून्य होगा तो अगर हम मान लीजिए वन रखेंगे तो वन की घा वन रखने पर जो है वो एक की घाते तीन हो जाएगा ये आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको चेक करना पड़ेगा या आपको गैस करके चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा तो वन अगर हम मान लीजिए रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा एक की घाते तीन यानी ये हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कर ले रहे हैं तो एक की घाते तीन हो जाएगा एक की घाते तीन माइनस टू और ये माइनस वन और प्लस टू यानी क्या हो जाएगा हमें उ, एक की घाते तीन यानी क्या हो गया इसका मतलब अगर हम इसको रख रहे हैं तो एक की घाते तीन इसका एक हो गया और ये हो जाएगा माइनस दो और ये माइनस एक और दो तो माइनस तीन और यहाँ पे तीन भी ज़ीरो प्राप्त हो जा रहा है माइनस वन रखेंगे तब माइनस वन के घाते तीन यानी माइनस हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और प्लस टू हो जाएगा मतलब इस पर भी जीरो हो जाएगा यानी हम देखिए वन और माइनस वन रखेंगे तो भी हमें इनका मान जो है इसका मान पूरे का मान क्या प्राप्त हो रहा है शून्य प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वन भी इसका एक गुणनखंड होगा और माइनस वन भी इसका एक गुणनखंड होगा मान लीजिए हम माइनस वन ले चलते हैं ठीक है तो अगर पी माइनस वन ले चल रहे हैं पी माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस वन की खाते तीन माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस टू यानी क्या प्राप्त हो गया माइनस 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 यानी माइनस थ्री हो गया माइनस माइनस वन हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू हो गया प्लस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू यानी कितना प्राप्त हो गया बच्चों माइनस थ्री प्लस थ्री यानी ज़ीरो यानी इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पी माइनस वन जो है इक्वल टू ज़ीरो प्राप्त है अब इस गुणनखंड प्रमेय हमारी क्या कहती है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा यक्स प्लस वन जो हो जाएगा यक्स प्लस वन का एक गुणनखंड हो जाएगा एक गुणनखंड होगा ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है ना ठीक अब ये इसका गुणनखंड हो गया क्यों क्योंकि यहां पे माइनस यक्स माइनस वन बराबर ये जीरो यानी एक्स बराबर माइनस वन रखने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है तो यानी एक्स माइनस वन बराबर जीरो ये इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो ठीक तो यक्स प्लस वन जो है पी एक्स का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे एक तो हमें गुणनखंड मिल गया है अब हमें और गुणनखंड भी निकाले होंगे ना दो और चाहिए गुणनखंड तो क्या करेंगे x प्लस वन से जो है हम इस दिए गए जो है बहुपद में भाग करेंगे भाग करेंगे तब क्या होगा एक्स प्लस वन से जब हमने भाग दे दिया किस में भाग दे रहे हैं एक क्यूब माइनस टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू अब इससे हम भाग दे रहे हैं तो ये कितनी बार जाएगा यक्स स्क्वायर बार जाएगा बचेगा क्या हमारे पास में एक क्यूब और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों माइनस एक्स ये, ये हमने लिख लिया है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितनी बार जाएगा ये यहाँ पे माइनस तीन थ्री एक्स है तो माइनस थ्री एक्स का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस थ्री एक्स प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे चिन्ह घटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा थ्री एक्स में से एक गया टू एक्स बचा और यहाँ प्लस टू हो गया प्लस यहाँ पे टू का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस, प्लस टू एक्स प्लस टू प्राप्त हो जाएगा ठीक है बच्चों टू एक्स प्लस टू ठीक अब यहाँ पे ये यह घटेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस ये यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे बचेगा शेष फल हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा जीरो प्राप्त हो जाएगा अब हमारे पास गुणनखंड के रूप में जब हमने इसको भाग दिया है तब क्या प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू जो है क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो इसलिए भाग करने पर जो है हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो जा रहा है ठीक है तो अब इसके बाद इसको भी हम दो भागों में तोड़ेंगे एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो अब इसको इसको दो घातों वाले पदों का गुणनखंड जिस तरह से ज्ञात किया जाता है उसी तरीके से इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो दो को हम दो भागों में दो दो को ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर दो आए और जोड़ने घटाने पर तीन आए तो दो को हम क्या करेंगे माइनस दो और माइनस वन के रूप में तोड़ लेंगे तो हमारा ये माइनस तीन जो है वो आ जाएगा और गुणा करेंगे आपस में तो दो प्राप्त होगा क्या लिख सकते हैं इसको बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक माइनस एकर टू माइनस ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से क्या कॉमन होगा एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू प्राप्त हो गया यहाँ माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस टू बराबर जीरो ठीक है बच्चों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स माइनस टू दोनों में कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस टू क्या बचेगा एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो अब यहाँ पे जो हमारी गुणनखंड प्रमेय क्या कह रही है कि पी एक्स अगर जब हमारा दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ठीक अब इसको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन क्योंकि इसका रखने पर जीरो प्राप्त हुआ था इसके बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था टू आ, इसको, ये स्क्वायर माइनस टू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर और ये माइनस थ्री ये प्राप्त हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये हो गया एक गुणनखंड ये उसका जो है दूसरा पार्ट हो गया इन दोनों का गुणनखंड खंड कर को गुणा कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगा अब इसके बाद हमने इसको भी तोड़ लिया था इसको तोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हुआ था ये तो एक्स प्लस वन और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस टू और क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन ठीक है ये जो है इसके पी एक्स के तीन गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए ठीक यही जो है इसका मतलब आंसर हुआ इसके गुणनखंड ज्ञात करने थे ना तो इसके गुणनखंड ये तीन गुणनखंड प्राप्त हो गया इसी तरीके से बच्चों इसके इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये आप करिएगा करने का मेथड एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए क्या करना है इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले जो है हम लास्ट वाला जो पद होगा उसके गुणनखंड देखेंगे कौन कौन से हैं उसके गुणनखंड में से कोई भी एक पार्ट देखने पे जिसमें जीरो प्राप्त हो रहा है वो हम लेके चलेंगे तो वो उसका जिसको भी रखने पे ज़ीरो प्राप्त होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस वन रखने पे जीरो प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये माइनस वन यानी एक्स बराबर क्या है इसका मान माइनस वन रख रहे हैं हम तो जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन उसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा ठीक है तो वो वो वाला पा अगर जब हमने इसको रखा जीरो जिसमें मिलेगा वो तो हमारा एक क्या हो गया गुणनखंड प्राप्त हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे जो हमारा गुणनखंड मिलेगा उसको हम दिए गए बहुपद में से दिए गए बहुपद में भाग करेंगे भाग करने पे जो भी मान प्राप्त होगा हमें भाग करने पे जो भी मान हमें प्राप्त होगा वो उस जो प्राप्त हो रहा है उसके भी हम वो द्विघात का होगा तो उसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों उसके भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे द्विघात वाले बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो है जो मेथड था हमारा वो ध्यान रखेंगे लास्ट वाले पद का को इस तरीके से दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वो आए आ, वो लास्ट वाला पद आए और बीच वाला पद जो है जोड़ने घटाने पे प्राप्त हो ठीक तो इस तरीके से उसके भी दो भाग कर लेंगे और वही तीनों पार्ट जो है वो हमारे क्या कहलाएंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार त्रिघाती बहुपद के तीनों गुणनखंड कहलाएंगे ठीक है बच्चों इसी तरीके से इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है आप इसे करिएगा नेक्स्ट प्रश्नवली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे Thank you.